गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे। हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज यानी कि 28 अगस्त का वीडियो, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। तो जैसा कि पिछली कुछ क्लासों से हम लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि वो प्रोसेस जिससे हमारी लाइफ चलती है उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में हमने पिछली बार पढ़ा था कि डाइजेशन ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होता है, आज हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन। तो बेटा जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन शब्द का मतलब तो आपको पता ही है, रेस्पिरेशन शब्द का मतलब होता है सांस लेना। तो सांस लेने का मतलब क्या होता है? सांस लेने का मतलब होता है कि जब आप हवा अंदर लेते हैं और जब आप हवा बाहर छोड़ते हैं। बट उस प्रोसेस बेटा वो प्रोसेस होता है सिंपल ब्रीदिंग। अब हम ये समझते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फ़र्क क्या है। आपने सांस अंदर ली, आपने हवा बाहर छोड़ दी, ये सिंपल प्रोसेस ब्रीदिंग है। पर आपकी बॉडी के अंदर जो आपने सांस ली वो ऑक्सीजन आपके खाए हुए खाने के साथ जुड़ जाए और खाना और ऑक्सीजन मिलके एनर्जी बनाए तो वो प्रोसेस हो जाएगा रेस्पिरेशन। तो लिखा है दैट रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। जो मैंने आपको बताया खाने से एनर्जी बनेगी। इट यूजुअली नीड्स ऑक्सीजन, इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग क्या होता है? गैशियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2। तो ब्रीदिंग सिंपल प्रोसेस है, एयर अंदर जाती है, एयर बाहर जाती है। और दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। तो ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड होता है, तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और एक ब्रीदिंग होता है। इसी में आगे है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी समझते हैं कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फ़र्क क्या होता है। देखो एरोबिक यानी कि हवा के साथ और एनएरोबिक मतलब हवा के बिना। तो जो प्रोसेस हवा के साथ होता है, मतलब जो हवा के बिना हो ही नहीं सकता, उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और लिखा है दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही एरोबिक के अंदर सेकेंड पॉइंट है अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, और एनएरोबिक में इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड इन यीस्ट सेल्स। अब यीस्ट क्या होता है? तो बेटा आपने देखा होगा, आपने छोले भटूरे खाए होंगे, आपने देखा होगा कि भटूरे जो होते हैं वो रोटी से थोड़ा अलग होते हैं, वो फूले हुए होते हैं और साइज़ में बड़े होते हैं लेकिन उनका वेट में वो हल्के होते हैं। वो होता है यीस्ट की वजह से। यीस्ट को खाने में जो यीस्ट डलता है उसको खमेरी भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि आटा या मैदा फूल जाता है। यीस्ट का खास बात क्या होती है कि यीस्ट एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन की बिना रेस्पिरेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड मैदे को आटे को फुला देती है। तो आगे पढ़ते हैं, एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड वाटर। तो इसका एंड प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स आर एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ CO2 वाटर विद रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल प्लस CO2 लैक्टिक एसिड विद रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि इनके अंदर प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं। एक मोर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर एन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस अप टू 36 ATP ऑफ एनर्जी। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें एनर्जी ज़्यादा बनती है। अब आप में से कई लोगों ने रेस में पार्टिसिपेट किया होगा स्कूल में, तो जो रेस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा उनकी जो स्पोर्ट्स की टीचर होती है वो कहती है कि रेस शुरू होने से पहले एक लंबी गहरी सांस ले लो। क्यों? क्योंकि आप लंबी गहरी सांस लोगे तो आपकी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी और आप थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी से काम कर पाओगे। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ये तब होता है जब आप भाग रहे होते हैं। आप भाग रहे होते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है, तो बॉडी एनएरोबिक बिना हवा के रेस्पिरेशन करने की कोशिश करती है। और तब हमारी बॉडी में एक पदार्थ बनता है, एक चीज़ बनती है, लैक्टिक एसिड। तो ये हम समझते हैं इसके बाद आगे। अब आपके सामने देखिए एक डायग्राम बना है, मैं इसको ट्रायंगुलेशन डायग्राम कहता हूँ या त्रिशूल वाला डायग्राम कहता हूँ, क्योंकि ये बताता है कि ग्लूकोस जो कि 6 कार्बन का था वो साइटोप्लाज्म में टूटा और 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया पाइरूवेट। ये प्रोसेस सब में कॉमन है, चाहे हमारी बॉडी में हो, चाहे लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो, चाहे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, चाहे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, लेकिन उसके बाद हमको ऑक्सीजन चाहिए ही होती है। चाहे प्रेजेंस हो तो ज़्यादा ऑक्सीजन और लैक हो तो कम ऑक्सीजन। प्रेजेंस होगा तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनेगा, और अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगा। लेकिन दोनों ही प्रोसेस में ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के यीस्ट के अंदर बनता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी।
अब देखते हैं ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से फिगर लिया गया है। अब ये एटीपी के बारे में लिखा है, तो एटीपी क्या होता है? अब सपोज कीजिए आप दुकान में गए, आपको चीनी लेनी है, तो क्या आप में से कोई बोल सकता है कि भैया एक लीटर चीनी दे दो? नहीं, एक लीटर तो नहीं बोलोगे। या बोलोगे दो सेंटीमीटर चीनी दे दो? नहीं, दो सेंटीमीटर भी नहीं बोलोगे। आप बोलोगे भैया दो किलो चीनी दे दो। तो जैसे चीनी को नापने के लिए किलोग्राम इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो होती है एटीपी। ये एटीपी इज़ द फॉर्म इन विच एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड और ऑन हाइड्रोलिसिस इट रिलीजेस एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल। इतनी एनर्जी बनती है। तो बेटा ये एनर्जी करेंसी भी कहते हैं इसको सेल का। तो अब शुरू करते हैं आपके आज की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सबसे लास्ट पॉइंट मैंने आपको यही बताया था, एनर्जी करेंसी होते हैं एटीपी। सेकेंड क्वेश्चन द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, अब ये ऊपर देखो यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, किस में होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। थर्ड पार्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दो पार्ट फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर थर्ड पार्ट आपको आंसर दिखाता हूँ मैं, क्योंकि थर्ड पार्ट थोड़ा बड़ा है। चलिए मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा पॉज करके। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन, एरोबिक रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है आपने, और कोई इतनी बड़ी दिक्कत होगी नहीं लिखने में, क्योंकि मैंने आपको पूरा समझाया है। तो आपके पास कुछ टाइम है, कर लीजिए नोट डाउन। चलिए मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थ्री पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसी पेज पे ये रहा आपका फोर्थ का आंसर। आप पॉज कीजिए अपनी वीडियो को और फटाफट ये जो डायग्राम है पूरा ट्रायंगल वाला, ये त्रिशूल वाला डायग्राम, ये त्रिशूल वाला डायग्राम आप पूरा बनाएंगे तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन द थ्री पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा इसको नोट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये लिखिए आपके सामने स्क्रीन पे फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आज की आपकी साइंस की वर्कशीट के पांच क्वेश्चन थे, हमने पांचों को कंप्लीट कर लिया। मुझे लगता है अब आपको कोई टेंशन होगी नहीं, कोई दिक्कत होगी नहीं, हमने साइंस की वर्कशीट तो पूरी कर ही ली है। अब बढ़ते हैं आपकी अगली वर्कशीट पर जो कि मैथ्स की है। तो देखें आज की मैथ्स की वर्कशीट का टॉपिक क्या है। तो मैथ्स में हमने पिछली बार शुरू किया था ट्राइंगल्स वाला टॉपिक, और आज हम करने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो उन्होंने लिखा है नेम द शेप विच आर ऑलवेज सिमिलर। तो बेटा ऑलवेज सिमिलर शेप्स की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ स्क्वायर हमेशा सिमिलर होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होगा, और सर्कल हमेशा सिमिलर होगा, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि इनकी शेप चेंज नहीं हो सकती। भाई अगर आप कहोगे सर्कल, तो सर्कल तो हमेशा गोल ही है, सर्कल अंडाकार हो नहीं सकता। अगर मैं कहता हूँ स्क्वेयर, तो स्क्वेयर हमेशा चार साइडों वाला और चारों इक्वल साइडों वाला होगा। तो स्क्वेयर बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन उसकी बेसिक शेप एक जैसी रहती है। अब बात करते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अलावा अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर है तो उसका क्या कंडीशन है। तो सबसे पहली कंडीशन है एंगल एंगल एंगल। इसका क्या मतलब है? अगर दो ट्राइंगल्स के सारे एंगल इक्वल है, अगर एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का क्या मतलब हुआ? अब ये जो ये ट्राइंगल आप देख रहे हो इसकी साइड्स, और इस ट्राइंगल की साइड्स का अगर आप रेशियो निकालोगे तो वो सारे रेशियो इक्वल होंगे। इक्वल कैसे? अगर मैं इस साइड को लूँ ए बी और इसके अपॉन में रखूँ ये वाली साइड डी ई, और सपोज कीजिए ए बी अपॉन डी ई ये टू था और ये फोर था, तो ए बी अपॉन डी ई टू अपॉन फोर कितना आ जाएगा? वन अपॉन टू। और फिर आपने बी सी अपॉन ई एफ करने की कोशिश करी कि बी सी अपॉन ई एफ चेक करते हैं कि बी सी अपॉन ई एफ कितना होगा, और आपने देखा कि बी सी की वैल्यू थ्री है और ई एफ की वैल्यू सिक्स है, तो
तो आपने 3/6 किया, तो यहाँ भी अगर आप आंसर देखेंगे तो 1/2 ही आएगा। फिर आपने सोचा कि मैं ए ई ए सी अपॉन डी एफ करती हूँ या करता हूँ, और आपने देखा कि ए सी की वैल्यू 4 और डी एफ की वैल्यू 8 है, तो आपने कहा भाई ए सी अपॉन डी एफ कितना है, तो ये भी आपका आया 4/8 यानी कि 1/2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो एक जैसा होगा। और सिमिलैरिटी लिखने का तरीका भी होता है, एक तरीका क्या कहता है, तरीका कहता है कि अगर ट्राइंगल ए बी सी लिख रहा हूँ तो ए और डी ई एफ लिख रहा हूँ, तो जो पहला एंगल है ए वो पहले एंगल डी के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा और सी एफ के इक्वल होगा। ये लिखने का तरीका है, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख लो, समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं लिख सकते आप, तरीका होता है लिखने का। दूसरी जो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया होता है वो होता है SSS। SSS का मतलब क्या होता है बेटा, SSS का मतलब होता है कि सारी साइडें जो है वो रेशो इक्वल है सारी साइडों का। अब रेशो इक्वल का मतलब अभी अभी आपको समझाया कि जो ये ए बी है इसकी अपॉन में डी एफ कर दूँ, यानी ए बी अपॉन में डी एफ बराबर हो जाएगा ये वाली साइड ए सी अपॉन में ये डी ई है पहले वाले में, तो ए सी अपॉन में डी एफ बराबर होगा बी सी अपॉन में ई एफ, बी सी अपॉन में ई एफ। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर दो ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशो इक्वल है, अगर रेशो इक्वल है तो सिंपल सी बात है कि ट्राइंगल्स जो हैं दोनों वो सिमिलर हैं। और तीसरी स्टेटमेंट क्या है, तीसरी स्टेटमेंट है एंगल साइड एंगल। ये कहता है कि अगर कोई एक एंगल दो ट्राइंगल्स में इक्वल है और इस एंगल को बनाने वाली साइड्स का रेशो इक्वल है, यानी कि ए एंगल जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है, और ए बी और डी ई का रेशो यानी ए बी अपॉन डी ई बराबर है ए सी अपॉन डी एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल इक्वल है और एंगल की जो दोनों साइडें हैं, दोनों साइडें एंगल वाली दोनों साइडों का रेशो अगर इक्वल है तो भी ट्राइंगल सिमिलर होता है। चलिए हमने तीनों सिमिलैरिटी के प्रूफ समझ लिए, अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक एग्जांपल है, आप अपने आप देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा आराम से, मैंने आपको बहुत डिटेल में पूरी वर्कशीट समझाई है। तो अब वो कहता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ए डी के बी ई के सी एफ के, जो मैंने आपको बताया था लिखने का तरीका, अगर ए पहला है तो डी पहला होगा, बी दूसरा है तो ई दूसरा होगा, सी तीसरा है तो एफ तीसरा होगा, तो ए डी के इक्वल होगा, समझ में, जो ए होगा वो डी के इक्वल होगा क्योंकि दोनों पहले लिखे थे, बी जो है वो ई के इक्वल होगा, सी जो है वो एफ के इक्वल होगा। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो आप समझ ही गए, पहले वाली दोनों ए बी और डी ई अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ, इनका रेशो इक्वल होगा। अब उन्होंने दो क्वेश्चन हमको दिए और पूछा इनके बारे में बताओ, तो हमने लिख दिया। देखिए मैंने लिखा है ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर उन्होंने मुझे बोल रखे हैं, तो सिमिलर बोल रखे हैं तो एंगल पी एंगल ए के बराबर, क्यू बी के बराबर और आर सी के बराबर, और सिमिलरली पी क्यू बाई ए बी बराबर होगा क्यू आर बाई बी सी बराबर होगा पी आर बाई ए सी के। बिल्कुल मैंने बस साइड्स का रेशो लिया, ऐसे ही डी ई एफ पी क्यू पी आर क्यू के बराबर, तो डी बराबर होगा पी के, ई बराबर होगा आर के और एफ बराबर होगा क्यू के, और सिमिलरली रेशो भी इक्वल होंगे, डी ई बाई पी आर बराबर ई एफ बाई आर क्यू बराबर डी एफ बाई पी क्यू। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में उन्होंने क्या गिवन है, अगले क्वेश्चन में दो ट्राइंगल हैं, वो कह रहा है ट्राइंगल ए ओ बी और डी ओ सी, तो ये अपना ट्राइंगल ए ओ बी हो गया और ये ट्राइंगल डी ओ सी हो गया, इसमें एंगल ओ ए बी दे रखा है, ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल जहाँ पे आपको ये रेड डॉट दिख रहा है ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, और एंगल ए ओ बी भी दे रखा है, ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल भी दे रखा है, और एंगल ओ बी ए भी दे रखा है, ओ बी ए वाला भी दे रखा है। अगर ध्यान से देखो तो ट्राइंगल ए बी ओ के तीनों एंगल आपको पता है, और आपको जो ट्राइंगल दूसरा है उसके तीनों एंगल निकालने हैं, और मुझे बोल रखा है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हैं, तो ये तो आपको पता ही है, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो मैंने लिख दिया, मैंने कहा अगर ये सिमिलर है तो ए डी के बराबर होगा पहला वाला, ए ओ बी डी ओ सी के बराबर होगा बीच वाला,
और एंगल भी एंगल सी के बराबर होगा। अब ए की वैल्यू क्या थी 40, तो डी 40 हो गया। ए ओ बी की वैल्यू थी 50, तो डी ओ सी 50 हो गया। और एंगल सी की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी कि ये एंगल जो सी है हमारा, एंगल बी जो है वो हमारा वो 90 है, तो एंगल सी जो कि बी के इक्वल था वो 90 हो गया। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पहले समझ लो एक साथ फिर नोट डाउन कर लेना आराम से। तो थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है कि दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल डी ई एफ है और एक पी क्यू आर है, जिसमें डी ई ई एफ और डी ई एफ तीनों उन्होंने दे रखे हैं, साथ में पी क्यू क्यू आर और एंगल पी क्यू आर भी दे रखा है। और आपको बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और उन्होंने आपको दे रखा है कि सिमिलर हैं, और बताओ कैसे सिमिलर हैं। तो देखिए, मैंने कहा भैया डी ई अपॉन पी क्यू ई एफ अपॉन क्यू आर के बराबर, मैंने डायग्राम बना दिया पहले, और डायग्राम में जो जो उन्होंने लेबल करने के लिए दिया था मैंने सब लेबल कर लिया। तो डी ई टू हो गया, ई एफ थ्री हो गया, पी क्यू सिक्स हो गया और क्यू आर नाइन हो गया। और ऐसे ही ट्राइंगल डी ई एफ और पी क्यू आर में उन्होंने दिया है, मैंने खुद लिया है कि डी ई अपॉन पी क्यू बराबर होगा ई एफ अपॉन क्यू आर, रेशो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का। अब डी ई की वैल्यू कितनी है, डी ई की वैल्यू है 2 और पी क्यू की वैल्यू है 6, तो 2/6 बराबर हो जाएगा ई एफ अपॉन क्यू आर, ई एफ था 3 और क्यू आर था 9, 3/9 सॉल्व किया तो दोनों आ गए 1/3 1/3। और साथ में एक चीज़ उन्होंने दे रखी कि इन दोनों साइडों के बीच वाला एंगल ई और एंगल क्यू 60 है। इससे क्या हो गया कि दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। और प्रूफ कौन सा लगा, ए एस प्रूफ लगा आपका साइड एंगल साइड, और साथ में लिख दिया मैंने नीचे वाली थ्योरम दैट इफ वन ट्राइंगल ऑफ एंगल इज इक्वल टू वन ट्राइंगल ऑफ अदर ट्राइंगल देन द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो मैंने लिख दिया, आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व हो गई है, कर लीजिए इसको नोट डाउन, फिर अगली वर्कशीट शुरू करते हैं आपकी आज की। हिंदी की वर्कशीट में आज हम रचनात्मक लेखन करने वाले हैं। आपने पिछली वर्कशीट में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, किस तरीके से उसे लिखा जाता है, दोनों में क्या अंतर है। आज हम औपचारिक पत्र को और डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले रचनात्मक लेखन के कार्यपत्रक में आपने औपचारिक पत्र पर लेखन और अनौपचारिक पत्र पर अंतर को जाना था, और एक औपचारिक पत्र के प्रारूप लिखने का अभ्यास भी किया था। आज हम इस कार्यकलाप के माध्यम से औपचारिक पत्रों के प्रकार का अध्ययन करेंगे तथा दिए गए विषयों पर औपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास भी करेंगे। तो औपचारिक पत्रों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो ठीक है, औपचारिक पत्र सबसे पहले क्या होता है, औपचारिक पत्र वो होता है जो आप अपने सगे संबंधियों को नहीं लिखते हैं। आप औपचारिक तरीके से या तो अपने प्रधानाचार्य को, या तो किसी कार्यालय में, या किसी व्यवसायिक कार्य से इसलिए लिखते हैं आप। तो 3 तरह का होता है ये। सबसे पहला तो होता है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसमें हम किसी से प्रार्थना करते हैं। याद कीजिए, जब आपको छुट्टी के लिए पत्र लिखना होता है तो आप लिखते हैं सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी या श्रीमान प्रधानाध्यापक जी, और निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल का क्लास इसका छात्र हूँ और मुझे मेरी तबीयत ख़राब है, जैसे करके आप लिखते हैं। तो आप क्या लिखते हैं, निवेदन यह है। तो इस पत्र में आप निवेदन करते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं, तो इसको प्रार्थना पत्र कहते हैं। यह आप अवकाश के लिए, अवकाश का मतलब होता है छुट्टी, अवकाश के लिए, शिकायत के लिए, मान लीजिए आपके एरिया में पानी नहीं आ रहा है, पानी तो चलिए छोड़िए, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, आपको क्षेत्र भी नहीं है, आपके क्लासरूम में क्या है, क्लासरूम के पंखे ख़राब हो गए, तो आपको शिकायत करनी है, उसमें सुधार के लिए आपको आवेदन करना है। मान लीजिए आपकी जहाँ पे आपकी क्लास है उसके आसपास पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पानी का टैप नहीं है, नल नहीं है, तो आपको उसके लिए अपनी प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। तो ये लिखेंगे आप, ये वाला पत्र लिखेंगे। तो ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेके किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए MCD आपके एरिया में पानी नहीं आ रहा अच्छे तरीके से, तो आप MCD को लिखते हैं ना पत्र, तो वो भी एक औपचारिक, एक प्रार्थना पत्र ही हो गया कि प्लीज़ सुन लो यार, हमारे एरिया में पानी नहीं आ रहा,
चलो, तो पहला हमने पढ़ लिया प्रार्थना पत्र, दूसरा होता है कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र क्या होता है, जिसे हम किसी कार्यालय यानी कि किसी कार्यालय किसी ऑफिस में कामकाज के लिए लिखते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कार्यालय पत्र बोलते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों को और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इस पत्र में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। तो ये सारे के सारे पत्र इसके अंदर आते हैं कार्यालयी काम के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि क्या करना है, आपको पत्र लिखना है डाक अधीक्षक को, आपको कुछ मान लीजिए आपको परिवहन विभाग को कोई पत्र लिखना है, मान लीजिए आपके कुछ थाने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके एरिया में क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपको थाना प्रभारी को कोई पत्र लिखना है, तो आप इसमें ये सारे के सारे कार्यालयी पत्र लिखेंगे। तीसरा होता है आपका व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र क्या होता है, आपने अपने स्कूल में लेटर लिखा होगा कि भाई स्कूल के लिए किताबें मंगवानी है या स्कूल के लिए स्पोर्ट्स का सामान मंगवाना है, तो उसके लिए हम जो लेटर लिखते हैं उसको हम बोलते हैं व्यावसायिक पत्र। जैसे कि सामान खरीदने के लिए, बेचने के लिए, रुपए लेने देने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उसे हम कहते हैं व्यावसायिक पत्र। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। तो चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया, तीन तरह के पत्र होते हैं। जो औपचारिक पत्र होते हैं तीन तरह के होते हैं, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। तो चलिए देखते हैं कि औपचारिक पत्र लिखते टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ चाहिए। तो सबसे पहला बोला है बच्चों, औपचारिक पत्र नियमों से बंधे हुए होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमारा जो मन करे हम वो लिख देंगे, नियम होते हैं प्रॉपर लिखने के कि आपको इस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है, क्योंकि आप अपने सगे संबंधियों को नहीं लिख रहे हैं, आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो व्यवसाय के लिए लिख रहे हैं। मान लीजिए सामान मंगवाने के लिए कुछ इधर उधर हो गया तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक इसको लिखना होता है। और इसमें आप कभी भी कुशल मंगल वगैरह के बारे में नहीं पूछते, अनावश्यक बातें नहीं पूछते, सिर्फ काम की चीज़ें पूछते हैं आप इसमें और काम की चीज़ें लिखते हैं। अब पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए, मतलब इम्पैक्ट डालना होना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद सहित, मैं निवेदन करता हूँ स्टार्टिंग करते टाइम, तो अच्छा सा प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए, साफ सुथरा। अगर सामने वाले को पढ़ा ही नहीं गया, इतनी गंदी हैंडराइटिंग में लिखा होगा तो कैसा लगेगा पत्र, है ना। और भाषा एकदम सरल होनी चाहिए, ईजी भाषा। आपने ऐसे वर्ड्स लिखे हैं कि उसको समझ ही नहीं आ रहे कि आपने, तो इसको क्या करना है, आपको बहुत सरल भाषा में लिखना है। यदि आप कक्षा व परीक्षा भवन में लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन तथा क ख ग लिखना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आपका पेपर है, आप पेपर में बैठ के या अपनी क्लासरूम में बैठ के ये लेटर लिख रहे हैं, ये पत्र लिख रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में लिखेंगे परीक्षा भवन और एंड में आप लिखेंगे क ख ग। जहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, पता लिखना है, पते के स्थान पे आप परीक्षा भवन लिखेंगे, और जहाँ पे अपना नाम लिखना है वहाँ पे आप लिखेंगे क ख ग। फिर आगे लिखा हुआ है पत्र पृष्ठ की बाईं ओर से हाशिया के साथ मिलाकर लिखिए। बेटा हाशिया क्या होता है, ये जो मार्जिन लाइन होती है, ये वाली मार्जिन लाइन पूरा पत्र यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म नहीं होता, ये रॉन्ग मेथड है, एक ही साइड से शुरू होकर एक ही साइड ख़त्म होता है। आगे देखेंगे, पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्य बनी रहे। अब आपको क्या करना है, कोशिश करना है, वैसे तो चलो ठीक है जैसा भी रहता है, बट हम कोशिश करेंगे कि एक ही पेज में आ जाए, एक ही पेज में ख़त्म हो जाए, दूसरे पेज में ना जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अब उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेक्षक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखनी चाहिए। मान लीजिए आपने अपने स्कूल में लेटर लिखा है कि मैडम जी हमें क्या चाहिए, छुट्टी। अब छुट्टी में आपने लास्ट में क ख ग लिख दिया, तो आप प्रिंसिपल जी किसको छुट्टी देंगे, अब आपने अपना नाम तो लिखा ही नहीं है। तो इसलिए आपको अपनी नाम, अपनी क्लास, अपना जो दिनांक है, जिस दिनांक के लिए आपको आप वो लेटर लिख रहे हो तो आप वो लिखेंगे। अब देखिए, अब उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हुए निम्न कथनों की पढ़िए और उनके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप B/8 310 रोहिणी दिल्ली के निवासी हैं, आपके घर के आसपास कई दिनों से बारिश में पानी जमाव है, आप इस समस्या को दूर करना चाहते हैं। तो ये आपको हेडिंग दे रखी है, आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप इस समस्या को दूर करने के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे, यह पत्र किस प्रकार का होगा। तो बेटा हम किसको पत्र लिखेंगे, हम लिखेंगे MCD को, ठीक है, हम लिखेंगे MCD को। और ये किस तरीके का पत्र होगा, ये होगा बेटा औपचारिक पत्र। चलिए
आपका विषय क्या होगा बेटा? विषय मेरा होगा कि भाई क्या था, पानी के जमाव की समस्या, बारिश के, हम लिखेंगे बारिश के पानी का जमाव, ये वाली लाइन लिखेंगे आप। फिर आप पत्र के अंत में क्या लिखेंगे बेटा? इसमें नाम तो लिखा नहीं है तो मैं पत्र के अंत में लिख दूंगी क ख ग, अगर नाम दिया होता तो मैं नाम लिख लेती। चलो पढ़ते हैं आगे क्या दिया है। आगे लिखा है उपरोक्त दिए गए विषय पर संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखने का अभ्यास करिए। अब आपको पत्र लिखना है तो चलिए देखते हैं पत्र कैसे लिखना है। स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिका, MCD को नगर पालिका कहते हैं, दिल्ली। विषय जल भराव की समस्या हमारा विषय है। महोदया, मैं आपका ध्यान रोहिणी के गलियों, नालियों और खाली जगहों और सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूँ। हाल ही मूसलाधार वर्षा के कारण सब जगह पानी भरा हुआ है, नालियाँ रुकी पड़ी हैं, इसलिए गाड़ियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया है। पानी जमा होने के कारण सड़कों का तार कोल उखड़ गया है, परिणाम स्वरूप वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आते जाते वाहन उन गड्ढों में फंस जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल चालन इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाते हैं। चोटिल होने का मतलब है कि उनको चोट लग जाती है। पैदल आदमी तो इन गलियों और सड़कों को पार ही नहीं कर सकता। खाली जगहों और पार्क स्थलों का भी बुरा हाल है, वे मच्छर मक्खी और बीमारी का गढ़ बन गए हैं, वहाँ से हमेशा बदबू आती रहती है। तो महोदया, आपसे निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र हमारे मोहल्ले का निरीक्षण करें, कुछ स्वास्थ्य कर्मचारियों को शीघ्र भेजें, जल के भरावों को हटवाएं और जगह जगह DTT और अन्य कीटाणुनाशक दवाइयों का छिड़काव कराएं। नालियों की तुरंत सफाई से भी जल का भराव बढ़ने से रोका जा सकता है। तो ये लेटर लिख दिया हमने, आशा है आप शीघ्र कार्यवाही करेंगे। भव दिया, अब बेटा यहाँ पे ना नाम लिख दिया है तो आप नाम की जगह क ख ग लिख सकते हैं, क्योंकि नाम नहीं दिया था ना। और या फिर यहाँ पे लिखा है फिर सिर्फ ये लिख दीजिए समस्त रोहिणी निवासी, क्योंकि रोहिणी में आप रहते थे, तो जिस भी तरीके से लिखना है आपको लिख लीजिए। तो अब हम मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। आशा करती हूँ कि आपको औपचारिक पत्र अच्छे से समझ आ गए होंगे, उनके जो तीन तरह के थे वो तीनों प्रकार आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप ये लेटर लिखिए अच्छे से, अच्छी साफ हैंडराइटिंग में, आपको लिखा गया था ना कि साफ लिखना चाहिए, बिल्कुल सुंदर हैंडराइटिंग में होना चाहिए, सुंदर लिखाई में होना चाहिए, आप इसको लिखिए। हम कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।